नमस्कार, क्रांति ओडिशा में आपका स्वागत है। एक बार की बात है, रवि नाम का एक व्यक्ति था। उसको बचपन से ही जादू टोने और अंधविश्वास में बहुत रुचि थी। एक दिन उसको उसका बचपन का मित्र रोहन मिल गया। वह रोहन को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, हम 10 साल बाद मिल रहे हैं। रोहन बोला, वह कंपनी के किसी काम से वहाँ पर आया है। रोहन ने रवि के हाथ में हरे रंग की अंगूठी देखी और पूछा, यह तुमने क्यों पहन रखी है? रवि बोला, यह मुझे एक बाबा ने बहुत रुपए में दी थी। वह बोल रहा था कि इससे मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। रोहन ने पूछा कि फिर ऐसा हुआ? रवि बोला, अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन जल्द ही कुछ जरूर होने वाला है। इसके बाद रोहन चला गया। एक दिन रवि को रास्ते में एक पोस्टर चिपका हुआ दिखा, जिसमें लिखा था कि 5,000 रुपए दो और अपना भविष्य जानो। रवि उस जगह गया और एक व्यक्ति को 5,000 रुपए देकर बाबा के पास पहुंचा, जो हिमालय से आए थे। रवि ने बाबा से पूछा, मुझे यह जानना है कि मैं सफल इंसान कब बनूंगा? बाबा ने रवि को बताया कि वह कभी भी सफल इंसान नहीं बनेगा, क्योंकि वह तो 2 महीने में मरने वाला है। रवि यह सुनकर बहुत दुखी हुआ। उसको इसके बाद रात भर नींद नहीं आई। वह अगले दिन बैंक गया और सब कागज भरकर 1 करोड़ का लोन ले आया। उसने इससे एक बड़ा घर बुक किया और गाड़ी ले आया। उसकी बीवी ने जब गाड़ी देखी तो वह बहुत खुश हुई। रवि उसी गाड़ी में अपनी बीवी को बैठाकर वह घर दिखा कर आया जो उसने बुक किया था। उसकी बीवी बहुत खुश थी, लेकिन उसने रवि से पूछा कि वह सब उसने कैसे किया। रवि ने अपनी बीवी को इसका राज बाद में बताने को कहा। रवि इसके बाद अपनी बीवी को सिंगापुर भी घुमा लाया। रास्ते में आते समय रवि की बीवी के पूछने पर रवि बोला, एक बहुत बड़े बाबा ने बोला है कि मैं 2 महीने में मरने वाला हूँ। रवि की बीवी यह सुनकर बहुत रोई। रवि बोला, यह सब उसने बैंक से लोन लेकर किया है, जो कि रवि के मरने के बाद किसी को चुकाना नहीं पड़ेगा। 1 महीने के बाद रवि और उसकी बीवी नए घर में शिफ्ट हो गए। रवि की बीवी ने रवि से बोला कि आप मेरे लिए इतना सब कर ही रहे हो, तो मेरे लिए सोने के कंगन भी बना दो। रवि को गुस्सा आया, लेकिन उसने बचे पैसों से अपनी बीवी को सोने के कंगन बना दिए। इसके बाद 2 महीने पूरे हो गए। रवि बहुत दुखी था कि उस दिन वह मरने वाला था, लेकिन दिन में रवि को कुछ नहीं हुआ तो उसने सोचा शायद वह रात में मर जाएगा। लेकिन रात भी बीत गई और दूसरा दिन शुरू हो गया। रवि और उसकी बीवी बहुत खुश हुए। इसके बाद बैंक से रवि को फोन आया कि वह जल्दी से किस्त के 1,00,000 रुपए भर दे, नहीं तो वह उसके घर आ जाएंगे। रवि को पता चल चुका था कि बाबा ने उसको बेवकूफ बनाया है और इन सब अंधविश्वास में कुछ नहीं रखा। उसने निर्णय किया कि वह घर गाड़ी बेचकर लोन चुकाएगा। नैतिक शिक्षा, हमें कभी भी अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए, इसका नतीजा हमेशा बुरा ही होता है।